हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शुभम एजुकेशन वाणी। फ्रेंड्स, आज देख सकते हैं आप इन विद्यार्थियों का, जिनका 83 सही था, रॉन्ग 13 था, वही इनका नॉर्मलाइज मार्किंग जो है 87.08722 है। और एक स्टूडेंट और है, हो सकता है कि इनका शायद 12th का रहा हो और इनका रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। सबसे ज़्यादा इसमें परेशानी 12th वाले को ही हुआ है, यानी इंटर जो विद्यार्थी करके इसमें फॉर्म भरे थे उनको सबसे ज़्यादा परेशानी देखने को मिला है। एक और स्टूडेंट है जिनका नॉर्मलाइजेशन मार्क 82.2777 है। इस तरह का अनेकों विद्यार्थी है जिनका रिजल्ट गड़बड़ी हुआ है। रेलवे बोर्ड ने ये बहुत बड़ा गड़बड़ी किया है। आपको पता होगा कि एक ही विद्यार्थियों का चार जगह रिजल्ट आया है, यानी लेवल 1 में भी, लेवल 2 में भी, और लेवल 3 और लेवल 4 में भी रिजल्ट आया है। आप देख सकते हैं जैसा आप वीडियो आपका चल रहा है, अनेकों विद्यार्थियों का इसमें गड़बड़ी हुआ है। तो आज ट्विटर कैंपेनिंग भी था, उम्मीद है कि आप लोग ट्विटर कैंपेनिंग में भाग लिए होंगे। जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट नहीं आया है वो लोग ट्विटर कैंपेनिंग में भाग लिए हैं, और ट्विटर कैंपेनिंग उतना बेहतरीन नहीं हुआ है जितना कुछ दिन पहले देखने को मिला था। लगभग उस दिन 3 मिलियन ट्वीट हुआ था। तो उम्मीद है कि रेलवे बोर्ड इस रिजल्ट को सही करेंगे और फिर से रिजल्ट जारी करेंगे। इसमें कम से कम 7.5 लाख के करीब में बच्चों को रिजल्ट देना था, वहीं आपका 2.5 से 3 लाख के करीब में ही विद्यार्थियों का रिजल्ट दिया गया है। तो जैसे ही कुछ रेलवे बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन तो आएगा जरूर, इस पे हम लोग इतना बड़ा कुछ कैंपेनिंग होगा जिससे इसमें रेलवे बोर्ड को इसमें सबक लेना होगा और कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। तो जैसे ही कुछ नया आता है, कुछ भी नोटिफिकेशन आता है रेलवे बोर्ड के द्वारा, तो आपको इस चैनल पर सूचित किया जाएगा। तो फिर जैसे ही कुछ नया आता है नोटिफिकेशन, तो आते हैं एक नया वीडियो लेके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।